नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रिया पांडे। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 46,500 पदों पर टीचर की भर्ती को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। लेवल 2 में 6,000 पदों को बढ़ाने की मांग को लेकर बेरोजगार 28 अक्टूबर को जयपुर में प्रदर्शन करेंगे। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक विरोध हो रहा है। बीजेपी भी बेरोजगारों के समर्थन में आ गई है। पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी कहा कि कांग्रेस ने बिना तैयारी किए भर्ती प्रतिक्रिया की घोषणा की थी, उसकी वजह से ही आज गफलत की स्थिति पैदा हो गई है। सरकार की गलती और लापरवाही से हजारों युवाओं के सपने अधूर झूल में अटक गए हैं। ऐसे में लेवल 2 के पदों को फिर से बढ़ाया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके। इसी तरह बीजेपी एमएलए कैलाश चंद्र मीणा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख लेवल 2 के पद फिर से बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 2021 में भी लेवल 2 का पेपर रद्द हो गया था, ऐसे में इस बार लेवल 2 के अभ्यर्थियों की संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए सरकार को लेवल 2 के पदों में कटौती नहीं करनी चाहिए। अगर सरकार ने फिर भी ऐसा किया तो हम सड़क से सदन तक का इसका विरोध करेंगे। उधर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपनयन यादव ने कहा कि कांग्रेस युवाओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। एक और जहां सरकार ने लेवल 2 में 6,000 पद कम कर दिए, वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में संविदा पर टीचर की नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। इससे राजस्थान के युवा बेरोजगार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में अगर भर्ती विज्ञापित जारी होने से पहले सरकार ने पदों की संख्या को नहीं बढ़ाया तो हम प्रदेश भर में इसका विरोध करेंगे। रीट परीक्षा पास कर लेवल 2 की तैयारी कर रही अमित शर्मा ने बताया कि आधी प्रतिक्रिया पूरी होने के बाद सरकार ने फैसला बदला है। इससे मेरी तरह हजार युवाओं को बड़ा झटका लगा है। हमें लेवल 1 के पद बढ़ाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर सरकार ने लेवल 2 के पद को घटाया तो युवा आने वाले चुनाव में इसका करारा जवाब देगी। पिछले 3 साल से टीचर भर्ती की तैयारी कर रही अरुणा मीणा ने बताया कि 2021 में रीट का पेपर आउट हो गया था, जिससे लाखों युवाओं की सालों की मेहनत पर पानी फिर गया। वहीं भर्ती परीक्षा से 2 महीना पहले सरकार ने पद घटाने का फैसला किया है, यह पूरी तरह से गलत है। अगर सरकार ने हमारी मांग मानते हुए केवल लेवल 2 के पद बढ़ाया 31,500 नहीं किया तो राजस्थान के हर जिले में युवा इसका विरोध करेंगे। आपको ये अपडेट कैसी लगी हमें लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।